is really, really sad. And when I woke up and I read about it, really sad, and I have no words to express what I feel, because we all grew up watching her, and suddenly to hear that she's no longer with us, it's hard to digest that. So my condolences to her family members and everyone who's followed her career and loved her for everything that she was and everything that she did for us. हैरान हो गया, शॉक हो गया जब सुबह ये जानकारी मिली. श्रीदेवी जी ने कला के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाई. हम सब ने उनकी फिल्में देखी हैं, हम सब ने उनके स्वयं के आर्टिस्टिक कैरेक्टर को, उनके स्वयं की क्षमता को महसूस किया है. और वास्तव में देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है. मैं स्वयं मुंबई से आता हूं और मैं समझता हूं हर एक मुंबईकर और हर एक देशवासी आज दुख मनाएगा इनके बहुत ही अकात्मक निधन के लिए. मैं उनके परिवार को, बोनी जी को, अनिल जी और सभी परिवारजनों को अपनी संवेदना देना चाहूँगा. हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि ये कभी सोचा ही नहीं था कि वेरी अनएक्सपेक्टेड. ऐसा भी नहीं कि कभी बीमार है या कुछ है, कुछ भी नहीं, एकदम हेल एंड हार्टी. और पद्मावत का अभी एक ट्रायल शो रखा हुआ था, उसमें भी हम सब मिले थे अभी जस्ट फ्यू डेज बैक, एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल. बहुत अच्छी तरह से हम लोग बात कर रहे थे, मिले थे भी, और ऐसा होगा करके कभी सोचा नहीं. शी सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, और बहुत ही टैलेंटेड. बचपन से एक्ट्रेस में ही, एक्टिंग में ही रहा है उसका जीवन. चार साल की उम्र से वो, चार या उससे भी पहले से बहुत सारे दक्षिण फिल्मों में किया है, लाइक ऑल रीजनल फिल्म में उसने काम किया है. उसके बाद हिंदी फिल्मों में भी आके इतना बड़ा नाम बनाया और अपना एक अलग स्थान बनाया, तो ये बहुत ही रेयर लोगों को होता है जो इसके साथ हुआ है. मुझे, मैं पता बयान नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना दुख हो रहा है. उनकी मृत्यु की तत्काल के बाद भाई बोनी कपूर ने रात में मुझे सूचना दी. मेरे ख्याल से 12:30-1 बजे की घटना थी. दुनिया लूट सी गई और जीवन में एक रिक्तता आ गई, और वो बात याद आ गई कि भाभी जी को, बच्चों को लेके आइए, आप बच्चे, भाभी जी, खुशी जानवी और हम एक साथ मिलकर कुछ समय बिताएं. बहुत प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है और अपने अभिनय से पूरे देश को प्रभावित किया. मुझे पता चला कि वो बहुत कम उम्र में इस दुनिया से विदा हो गई. अभी वो फिल्मों में काम कर रही थी और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्में जो लोगों को जागरूक करती है, वैसी फिल्में भी, मॉम जैसी फिल्में उन्होंने काम किया था. अभी वह अपना अभिनय और जारी रखती और अपनी प्रतिभा से देश को कला के नए आयाम दिखाती अपेक्षा थी, लेकिन बहुत जल्दी चली गई. मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ. उनके निधन से कला जगत में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है. दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना. इट्स वेरी शॉकिंग देन लास्ट नाइट वी केम टू नो. फर्स्ट आई थॉट कि इट्स अ होक्स एंड समबडी इज ट्राइंग टू प्ले प्रैंक्स और समथिंग, बट लेटर लॉट ऑफ चैनल्स एंड लॉट ऑफ पीपल कंफर्मड इट, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर अस. लाइक होल नाइट इट वाज स्लीपलेस नाइट फॉर अस, एंड इट वाज शॉकिंग. इट्स लाइक अनटाइमली डिमाइज. I can't believe it. It's a big loss for the film industry, for the country, the fans of Sridevi ji. And we've been such a great admirer of her. She was a versatile actress who was a great dancer, a great performer, comedy, romance, you name it, and she has done all kind of roles, from Sadma to Himmatwala to Chandni, Lamhe, Chalbaz, Mr. India. Like, we can, countless films she has done. And brilliant performance. My prayers to the entire Kapoor family. पूरा
देश ही शौक में है, ये असमय मृत्यु है। वैसे तो जाने का कोई समय नहीं होता, लेकिन फिर भी ये समय नहीं था उनके जाने का। बहुत अभी तो 55 साल की नहीं हुई, अभी 13 अगस्त को इस साल 55 साल की होती। और क्या क्या सिचुएशन, किन हालात में ऐसा हुआ, वो जानने के लिए उत्सुक हैं हम सब, और आघात है हम सब के लिए भैया, डेफिनेटली पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए आघात है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। कहने के लिए शब्द ही नहीं मतलब मेरे से बनता है, लेकिन जो ये शॉक एब्जॉर्ब का जो प्रोसेस है, और ख़ास करके एक कलाकार के बारे में जो सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप की बात ही नहीं है, जहाँ समाज में जो इतना उनका अवदान रहता है और जिनको देख करके उनके जो इम्प्रेशंस हैं मेरे टीनेज डेज से लेकर के अभी तक, जो जितने सारे फिल्म में मैंने उनकी देखी है, उसके जो इम्प्रेशंस अभी भी मेरे दिमाग में जिंदा है, और जो क्लोजनेस या जो मतलब करीबी महसूस करते हैं हम एक कलाकार के साथ, और ख़ास करके उसके बाद जब उनके साथ आपको काम करने मिलता है, उनका ना होना या उनका उनको खो देना, वो प्रोसेस अभी भी मैं सुबह 7:30 बजे से लेकर के अभी तक मुझे वो प्रोसेस जो एब्जॉर्ब का प्रोसेस है, मुझे समझ में महसूस करने में या विश्वास करने में भी अभी तक मुझे मुश्किल हो रहा है।